हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार। आज हम भाषा के अंतर्गत सप्ताह एक दिवस तीन के अंतर्गत शिक्षक संदर्शिका एवं कार्य पुस्तिका पर चर्चा करने जा रहे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं आज के वीडियो के तरफ। सप्ताह एक दिवस तीन कालांश प्रथम के अंतर्गत अपनी भाषा में अनुभव साझा करना के अंतर्गत इसमें आप बच्चों को कविता सुनाएंगे और उसके बाद क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं कविता से संबंधित। अनुभव पर चर्चा करना, इसके अंतर्गत आप बच्चों को गोलघरे में बैठाएंगे और किसी भी खेल पर चर्चा करेंगे। लेखन कार्य, इसमें आप किसी भी खेल का सामग्री को लेंगे और उसका चित्र बनाने के लिए कहेंगे। शिक्षण प्रक्रिया की समीक्षा करेंगे। और फिर है हमारा द्वितीय कालांश। द्वितीय कालांश हमारा डिकोडिंग का, इसके अंतर्गत आप बच्चों को किसी उनमें से किसी एक को गेंद देंगे, आप घेरे में बैठा लेंगे और गेंद देंगे और ताली बजाएंगे। जब तक ताली बजती रहेगी तब तक बच्चे गेंद को अगले बच्चे की ओर बढ़ाते रहेंगे। आप जब ताली बजाना बंद करेंगे उस समय गेंद जिस बच्चे के हाथ में होगी आप उसे किसी वाहन का नाम देंगे। बच्चे को उस वाहन की आवाज़ निकालनी होगी और बाकी को सभी बच्चे वही आवाज़ निकालेंगे। इस तरह से इस गतिविधि को आप करा सकते हैं और इसका समय रहेगा 20 से 25 मिनट। उसके पश्चात लेखन कार्य किया जाएगा और बच्चों को कार्य पुस्तिका पर कार्य करने से संबंधित निर्देश देंगे। उसके पश्चात शिक्षण प्रक्रिया की समीक्षा की जाएगी और इसमें दिवस तीन के अंतर्गत कालांश तीन के अंतर्गत पठन कार्य किया जाएगा। इसका समय रहेगा 40 मिनट। इसमें बिग बुक माँ और बच्चे कविता रहेगी जिसको हमने इसका लिंक डाल दिया है। आप उसमें बिग बुक माँ और बच्चे को देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इस तरह से कार्य पुस्तक की तरफ और कार्य पुस्तिका के अंतर्गत सप्ताह एक दिवस तीन पाठ तीन के अंतर्गत इसमें हम बच्चों के सामने ये तस्वीर रखेंगे और तस्वीर रखने के बारे के पश्चात शिक्षक फलों के बारे में बच्चों से चर्चा करेंगे। जैसे फलों का क्या नाम है और इस फल का स्वाद कैसा होता है, इस प्रकार से हम बच्चों से बातचीत करेंगे और चर्चा करेंगे। उसके पश्चात जो ये आपको तस्वीर चमक रही हैं इनको दिखाएंगे और बच्चों की बच्चे रंग की जगह पेंसिल का उपयोग भी कर सकते हैं, इस प्रकार की आकृतियाँ बना कर देंगे। तो इसमें आप बच्चों से रंग भी भरवा सकते हैं और कच्ची पेंसिल भी चलवा सकते हैं। इसके पश्चात तुमने जो देखा उस पर सही का निशान लगाएंगे और ये सामने आपको तस्वीर चमक रही हैं पांच, इनको आप बच्चों को दिखाएंगे और उनसे पूछेंगे कि आपने इनमें से कौन सी चीज़ देखी है। तो जैसे पूछा जाएगा कि आपने ये फूल देखा है, तो यदि बच्चा देखा है तो हाँ करेगा तो उस पर टिक लगा दिया जाएगा और उससे पूछा जाएगा क्या ये आपने देखा है, तो उसको उसका नाम नहीं बताना है, सिर्फ उसको पूछना है तो उस पर टिक लगा देना और नहीं देखा है तो उस पर क्रॉस का साइन लगा देना है। उसके पश्चात बिंदुओं को मिलाना है, ये तिरछी लाइन बन जाएंगी, डॉट से डॉट मिलाते हुए एक मिलाएंगे तो ये लाइन बन जाएगी। इस प्रकार से पेंसिल बच्चों को इस पर चलवानी है। ये बच्चों को आपको एक पेपर पर डॉट लगानी है तिरछी, जिससे तिरछी लाइन बन जाए और अभ्यास कराना है। इस तरह से यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।